दूर आत्मा भागलपुर और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से भागलपुर कतरनी धान उत्पादक संघ ने 20 जून 2016 को एक आवेदन कतरनी धान के भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय में दायर किया। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या GI टैग किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है। GI टैग उसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जिसमें निहित विशेषताओं का उस स्थान से विशेष गहरा संबंध होता है। इसके तमाम पहलुओं को देखने के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन नियम 2002 के तहत 28 नवंबर 2017 को कतरनी धान के GI टैग आवेदन पर मुहर लगाई और कतरनी धान को भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग दे एक नई पहचान दी है। इस पहल से नकली किस्मों की बिक्री कर किसानों और आम जनता दोनों को धोखा देने वाले लोगों से बचने में मदद मिलेगी। इस कतरनी धान उत्पादक संघ के अब तक के सफर और इससे होने वाले लाभ पर हम आपको इस समूह के संस्थापक सदस्य राजकुमार पंजियारा की राय से रूबरू कराते हैं। भागलपुरी कतरनी धान भागलपुर मुंगेर बांका के क्षेत्र में उगाया जाता है। ये अपने खुशबू और स्वाद के लिए विश्व में एक अलग पहचान है इस धान का। विगत कुछ वर्षों पहले BAU भागलपुर आत्मा के सहयोग से हम किसानों का एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें एक संघ बनाने की बात हुई, जो यह संघ भागलपुर कतरनी धान उत्पादक किसान के हित में कार्य करेगा और धान को उपजाने को प्रोत्साहित करेगा, इसलिए ये संघ का निर्माण किया गया। बीच बीच में हमको हम लोग को आत्मा और बिहार यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन प्राप्त होते रहता है प्रशिक्षण। भागलपुर जिला अधिकारी महोदय खुद कतरनी धान को कटिंग करवाने के लिए आए थे। उपज भी अच्छा है वहाँ का, जो धान हम लोग को मिलता है उसका उपज अच्छा है, सेंट अच्छा है उसका। ये सब मतलब हम लोग जो कर रहे हैं इससे किसान का लगाव झुकाव हुआ है धान उपजाने के। इसमें पिछले कुछ सालों से इसका झुकाव कम हो गया था, क्योंकि कतरनी धान का रेट नहीं मिल पाता था किसानों को। इसमें डुप्लीकेसी था, सोनम संभा नाम का दो धान है जो अधिक उपजता है, उससे उसको अधिक रेट मिलता है। तो लेकिन हम लोग जो स्टेशन के द्वारा काम कर रहे हैं, इस बार विचार है क्या कुछ बीज किसानों को दिया जाए संघ के द्वारा और फिर उसके प्रोडक्ट को खरीदने का भी विचार कर रहे हैं, उनका फिर ब्रांडिंग किया जाएगा। इस तरह काम करने से किसान अधिक आकर्षित होगा धान उपजाने में और इस एरिया का जो धरोहर है ये धान उसको हम लोग बचाए रख सकते हैं। संघ को GI मिल गया है, GI मिलने से इसका इंटरनेशनल स्तर पे ब्रांडिंग हो जाएगा, एक पहचान मिल गई है कतरनी धान को। अब यहाँ के ही लोग, यहाँ का संघ कतरनी धान का जो चावल है चूड़ा है इसका ब्रांडिंग कर सकेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है किसानों को। अब ब्रांडिंग के लिए इसको इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार का भी स्टेटमेंट मंत्री महोदय का आया था कि इनको सपोर्ट दिया जाएगा ब्रांडिंग करने के लिए। भारत सरकार द्वारा राज्य की बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्गत प्रकाशित भौगोलिक दर्शन पत्रिका में बिहार के भागलपुर कतरनी धान उत्पादक संघ के आवेदन संख्या 553 को पत्रिका द्वारा कतरनी धान उत्पादक संघ जगदीशपुर को वर्ग 30 के अंतर्गत भौगोलिक दर्शन के लिए पंजीकृत किया है। बिहार की अमूल्य धरोहर भागलपुर में उत्पादित इस कतरनी धान को GI यानी ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन मिलना पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। एक जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत एक उत्पाद या उत्पाद के भौगोलिक स्थान की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए या इसके विकास के कारण बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों पर प्रयोग किया जाता है। केवल पंजीकृत उपयोगकर्ता ही उन ग्राहकों के लिए इसे बेचते समय इस विविधता के नाम का उपयोग कर सकते हैं। ये अन्य देशों में किसानों को अपने कतरनी चावल और चूरा के निर्यात करते समय भी मदद करेगी। इसके अतिरिक्त इसे ग्राहकों को भी संतुष्ट किया जा सकता है कि उन्हें उपमानक उत्पादों के साथ ठगा नहीं जा रहा है। आत्मा भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के इन प्रयासों से यहाँ के किसानों को कतरनी धान के उत्पादन में आने वाली समस्याओं का हल और अधिक उत्पादन का लाभ ही नहीं मिला, बल्कि यहाँ के किसानों को एक नई पहचान और कतरनी धान को भी एक ग्लोबल ब्रांड भी बनाया जा सका। कतरनी धान उत्पादक संघ की इस सफलता ने यहाँ के किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और इस समूह ने अपने इस नई भूमिका को भी बखूबी लिया और अधिक से अधिक स्थानीय किसानों को इसका लाभ पहुँचाने के प्रयास में जुटे हैं।